हाय गाइस, आई एम योर फ्रेंड निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे एक प्रोजेक्ट कवर करने। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि हमें दिल्ली बॉर्डर के पास एक प्रॉपर्टी देखनी है या प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्ट करना है, और हमारा बजट इज लाइक 2 to 2.5 crore। सो आज के टाइम में अगर द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई भी लॉन्च आता है तो आपने देखा होगा कि 18-20 हज़ार पर स्क्वायर फिट के रेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो मिनिमम टिकट साइज आपको मिलता है वो 3-3.5 crore से स्टार्टिंग होती है 3 BHK की। सो इसलिए आज हम ये प्रॉपर्टी कवर करने आए हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत प्रीमियम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, कम्युनिटी का लिंक दिया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, और आपको गुड़गांव की रियल टाइम अपडेट्स आपको रियल स्टेट की टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है सेक्टर 106, दिल्ली बॉर्डर से जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको यहाँ से। आप सीधा यहाँ पे अगर चोबा क्रॉस करेंगे 108, अगर आपने लोकेशन देखी है, सो आप यहाँ से विद इन 2-3 मिनट्स दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। IGI एयरपोर्ट यहाँ से मैक्सिमम 20-25 मिनट्स में आप IGI एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। अगर गुड़गांव से हम कनेक्टिविटी देखें इस जगह की, तो यहाँ ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिचुएटेड है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इज लाइक 500 मीटर्स फ्रॉम हेयर। यहाँ से आप पूरे गुड़गांव की कनेक्टिविटी, न्यू गुड़गांव आपको जाना है, SPR, CPR, गोल्फ कोर्स रोड, कहीं पे भी आपको जाना है, तो बहुत अच्छे से ये लोकेशन आपको कनेक्ट करती है हर जगह से, गुड़गांव में, दिल्ली में या कहीं पे भी। तो बात कर लेते हैं आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, आसपास आपको क्या मिलता है। इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ये 75 मीटर वाइड रोड पे प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जिसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने एक प्रोजेक्ट है एक्सपीरियन का, वेस्टर्लीज। अगर हम राइट साइड में देखें सामने सेक्टर 108 में, तो शोभा का, शोभा हाई राइज इंटरनेशनल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है। देन शोभा के अपोजिट में, हाई राइज के अपोजिट में शोभा के विलास हैं। अगर हम पीछे बात करें, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में 106 सेक्टर की बात करें, तो गोदरेज मेरिडियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कुछ 2 या 3 टावर्स इस साल डिलीवर हो जाएंगे और बाकी इनका 2025 तक पोजीशन आ जाएगी। सो आसपास सारे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्डर की। सो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये लोअराइज टाउनशिप है, जो कि 8.1 एकड़ में है, और बिल्डर है MRG। सो MRG का मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली 2014 में एक कंपनी स्टार्ट हुई, जिनका अभी एक प्रोजेक्ट भी आया था 37D में। सो इट्स अ लिस्टेड कंपनी, आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो उस कंपनी के MRG यूज टू बी द फाइनेंशियल पार्टनर, फाइनेंशियल फंडिंग पार्टनर बोल सकते हैं। सो 2018 में सो MRG ने प्लान किया कि हम अलग होके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना रियल एस्टेट कंपनी खुद की स्टार्ट करते हैं। कैश रिच कंपनी है, और भी इनके लाइन ऑफ बिजनेस है, और रियल एस्टेट इनका कोर बिजनेस है। सो आज की डेट में अगर हम देखें तो 2018 से अभी तक MRG के कुछ प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल में आए हैं, जैसे कि MRG अल्टीमस, MRG स्काईलाइन, MRG मेरिडियन। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स MRG ने लॉन्च किए अफोर्डेबल में, जिनकी कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम है, बिफोर टाइम चल रही है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज वेरी गुड। सो वो आप जाके देख भी सकते हैं, उसमें कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बना के अभी तक, यू नो, एक्सपेक्टेड है कि कुछ कोई एक प्रोजेक्ट की पोजीशन इस साल में आनी है, एक की नेक्स्ट ईयर में आनी है, एक की 2026 में भी आनी है। सो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। इन्होंने कुछ कमर्शियल भी लॉन्च करें, उसके बाद इनका जो लग्जरी में इन्होंने पहला प्रोजेक्ट ही लॉन्च किया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि एक लो राइज टाउनशिप है। बेसिकली ये स्टिल्ट प्लस 3 का कंसेप्ट है, वेयर इन दे आर कमिंग अप विद स्टिल्ट कार पार्किंग। उसके अलावा स्टिल्ट के नीचे बेसमेंट में इन्होंने 3 रूम्स बनाए हैं, विच इज़ अराउंड 400 square feet ईच, और वो इनको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर को डिवाइड करके 3 रूम्स दिए हैं। उसके अलावा आपको टॉप फ्लोर पे, टेरेस पे, आपको इक्वल रेशियो में आपको अपना टेरेस का पोर्शन मिलता है। एंड अगर हम बात करते हैं प्लॉट्स की, तो यहाँ पे ये 109 प्लॉट्स के ऊपर 327 अपार्टमेंट बना रहे हैं। सो डेंसिटी अगर देखें तो डेंसिटी बहुत कम है इस प्रोजेक्ट की, 8.1 एकर्स में सिर्फ 327 अपार्टमेंट्स हैं। उसके साथ साथ आपको सारी अमेनिटीज़ इसके अंदर मिलती हैं। अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 22,000 स्क्वायर फिट का ये क्लब हाउस लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको जो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्लब हाउस भी मिल रहा है आपको, स्विमिंग पूल इसके अंदर आपको दे रहे हैं, ओपन स्विमिंग पूल, हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल रहेगा ये। सो अमेनिटीज़ इन्होंने बहुत अच्छी दी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। बींग अ लो राइज प्रोजेक्ट, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, और अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी है, एंड टिकट साइज भी बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब से अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये एक वैल्यू फॉर मनी या वर्थ बाय प्रोजेक्ट मुझे लगता है। अपार्टमेंट की अगर कॉन्फिगरेशन की बात करें तो क्या टाइप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे सारे ही 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं। साइजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1359 स्क्वायर फिट। सो 1359 स्क्वायर फिट का पहला इनका मिनिमम साइज है, उसके बाद 1503 स्क्वायर फिट का एक साइज है, उसके बाद 1593 स्क्वायर फिट का एक साइज है। सो 3 साइजेस में 3 BHK एंड 3 वॉशरूम ही है, कोई भी 2 BHK का कंसेप्ट नहीं है, तो जेंट्री बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम प्राइजिंग की एक बार बात कर लेते हैं, प्राइजिंग
आज के डेट में अगर आप देखते हैं मार्केट में तो 18-20 हज़ार नॉर्मल रेट हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे का, और कोई भी लॉन्च 20,000-22,000 से कम नहीं आ रहा है। अभी सेक्टर 80 में एक लॉन्च आया था शोभा का, जो कि 29,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव प्राइस पे लॉन्च हुआ है, और उसमें भी 3 BHK ओवर सब्सक्राइब थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह की डिमांड लग्जरी की है मार्केट में। सो जहाँ पे आपको ऐसी लोकेशन बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के पास द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि सबसे ज़्यादा बजेंगे, एंड आने वाले 10 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पोटेंशियल होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा बहुत ब्राइट इसका फ्यूचर है। इसके अलावा प्राइसिंग अभी जो ये ऑफर कर रहे हैं 15,250 पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है। कुछ ऑफर्स इन्होंने निकाले हैं जो कि शायद नवरात्रा तक ही वैलिड है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो उसमें कुछ ऑफर्स दे रहे हैं क्लाइंट्स को। सो अगर आप नवरात्रों में अपनी बुकिंग करते हैं तो आपको एक मैकबुक साथ में ऑफर करते हैं ऑन द स्पॉट। सेकंड ऑफर जो इनका है बेसिकली 200 रुपीज़ का ये TPR दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट निकल के आती है 2.3 CR, 2.2 CR के आसपास आपका 3 BHK यहाँ पे आ जाता है। पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है, क्लाइंट एंड यूजर के लिए भी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है, फ्लेक्सिबल 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। 2026 में ये अपनी पोजीशन प्लान कर रहे हैं, तो 2026 तक आपको 30% अभी पेमेंट करनी है विद इन लाइक 1-2 मंथ्स। उसके अलावा आपको 40% की जो पेमेंट है वो सुपर स्ट्रक्चर पे करनी है 1-1.5 साल के बाद, और बाकी पेमेंट आपको पोजीशन पे करनी है। सो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक तो टिकट साइज आपको छोटा मिल जाता है 2 CR का, उसके साथ साथ आपको पेमेंट प्लान भी इतना लुक्रेटिव मिल जाता है। सो प्राइसिंग मैंने आपको जो बताई है इसके ऊपर भी हम कुछ वर्किंग कर सकते हैं, कुछ और डिस्काउंट की हम बात कर सकते हैं बिल्डर से। एक बार आप आइए, जगह देखिए, बैठिए, समझिए प्रोजेक्ट को। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइनर हैं, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि मैंने अभी जहाँ पे खड़ा होकर शूट करा था पीछे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं बेसिकली उनकी फोटोग्राफ वहाँ पे लगी हुई है। सो प्रोजेक्ट ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को अगर रेट करना होगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सीलेंट रेट करूँगा, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, कंसिडरिंग द अमेनिटीज़ दे आर कमिंग अप विद, कंसिडरिंग मैं आपको, आपने देखा होगा, मैंने आपको अब वीडियो चलते हुए आपने कुछ इसका फसाड देखा होगा, तो एक्चुअली वही फसाड वो लेके आ रहे हैं। बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक लिफ्ट जाती है, टेरेस तक लिफ्ट जाती है, तो वो जो फसाड रहेगा ना वो फसाड ही अपने आप में एक एक बहुत अलग सा कंसेप्ट दिखता है। तो इस तरह की अगर टाउनशिप में आपको अपार्टमेंट मिलता है वो भी आज की जस्ट इस हीटेड अप मार्केट में 2 करोड़ के रेट में, तो आई थिंक दिस इज़ अ वैल्यू बाय एंड यू शुड हैव अ लुक एट इट। एटलीस्ट आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपने लिए देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, विजिट करके एक बार समझना चाहिए प्रोजेक्ट को, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने सोचा था पहले आपको कि डेफिनेटली मैं कोट करूंगा इस वीडियो में, आपने और भी लो राइज डेवलपमेंट देखी होंगी, एक M3M का प्रोजेक्ट आया था 89 में, सो वहाँ पे क्या था, प्लॉट साइजेस DDJY थे लेकिन छोटे थे, यहाँ पे प्लॉट साइजेस बड़े हैं, तो जो आपका एरिया निकल के आता है सुपर एरिया से अगर आप कारपेट एरिया निकालते हैं सिर्फ 25% की लोडिंग है। उसके साथ साथ आपको जो मास्टर बेडरूम मिलता है, अगर हम मिडिल वाले साइज़ की बात करें 1503 की बात भी करें, तो आपको जो मास्टर बेडरूम मिलता है वो 11x16, 11x18 के आसपास का आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। सो जो कि एक मतलब बहुत बड़ा साइज़ होता है, अगर आप देखें कि हाई राइज में भी आपको इतने बड़े मास्टर बेडरूम नहीं मिलते हैं, तो इन्होंने एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकाली है अपार्टमेंट्स की, कंसिडरिंग कि भाई लो राइज में वो चैलेंज ना आए जो कि और बिल्डर्स ने क्लाइंट्स को बेचा। सो आप अगर प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट विजिट, आप विजिट करिए एक बार, प्रोजेक्ट समझिए, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं सारी डिटेल्स जितनी मेरे पास है मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन केस यू वांट टू टॉक टू समवन फ्रॉम MRG आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन फिक्स अप अ टाइम, मैं MRG रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी आपकी कॉन कॉल करा सकता हूँ, जूम कॉल करा सकता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो चीज़ आज 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपको मिल रही है, आने वाले 4-5 साल 6 साल के बाद आपको ये चीज़ 20-22-25 हज़ार में भी नहीं मिलेगी। इस जगह पे स्केसिटी होने वाली है प्रॉपर्टी की, इस जगह पे जो रेट हैं वो आसमान छूने वाले हैं, तो आज मौका है, आप प्लीज़ आइए, देखिए प्रॉपर्टी को समझिए और अपना जो भी आपका प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन है उसको फाइनल कीजिए। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जिसको ज्वाइन करके आप गुड़गांव की रियल टाइम रियल एस्टेट अपडेट्स ले सकते हैं। एंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।